नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। दी इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज आपको हम आगे दिखाने वाले हैं घोटाला आबकारी, क्या केजरीवाल की बारी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फटाफट खबरें। मराठा आरक्षण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे जिद पर अड़े, कहा अगर कल तक कोई फैसला नहीं हुआ तो पानी भी त्याग दूंगा। महाराष्ट्र के धुले में मराठा प्रदर्शनकारियों ने सीएम और डिप्टी सीएम के पोस्टर पर पोती कालिक, बसों को भी बनाया निशाना। सांगली में कर्नाटक की बस पर आरक्षण समर्थकों ने किया पथराव, बस में सवार कई यात्री घायल। विधायकों के घर पर हुए हमले के बाद बढ़ाई गई मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा, करीब 150 पुलिसकर्मी किए गए तैनात। मराठा आरक्षण की आग में जले महाराष्ट्र के कई जिले, बीड और उस्मानाबाद में लगाया गया कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड। मुंबई सतारा हाईवे पर मराठा आरक्षण समर्थकों का तांडव, सड़क पर आगजनी की गई, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। सोलापुर में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, रेलवे ट्रैक पर जलाया टायर। बीड में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने 60 से ज्यादा बसों में तोड़फोड़ की है, बस स्टैंड का कंट्रोल रूम भी किया नष्ट। आरक्षण समर्थकों ने मुंबई में किया मुंडन कार्यक्रम, एक मराठा लाख मराठा का दिया नारा। भीड़ हिंसा मामले में अब तक 12 लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर, जिले के एसपी बोले सोशल मीडिया से फैली हिंसा की चिंगारी। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट में बड़ा फैसला, मराठाओं को जल्द दिया जाएगा कुनबी सर्टिफिकेट, संदीप शिंदे कमेटी की सिफारिश पर कैबिनेट की मुहर। सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर लगाए फोन हैकिंग के आरोप, एक्स पर लिखा मेरा फोन और ईमेल हैक करने का प्रयास किया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस के नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा का आरोप, एप्पल की तरफ से मिला हैकिंग अलर्ट। कथित जासूसी को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा जितनी टैपिंग करानी है करा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप, बोले जासूसी के कारण गिर जाती है सरकारें। एप्पल अलर्ट पर बीजेपी का बयान, प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा जिन्हें दिक्कत है वो एप्पल के खिलाफ करें एफआईआर। कथित जासूसी मामले में केंद्र सरकार ने दिए जांच के आदेश, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कुछ लोगों को आलोचना करने की आदत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने फिर उठाया कास्ट सेंसस का मुद्दा, बोले कास्ट सेंसस के बिना नहीं मिल सकता न्याय। अदाणी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का हमला, अदाणी को सरकार में बताया नंबर एक, प्रधानमंत्री को नंबर दो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 2 नवंबर को ईडी दफ्तर में पेशी, कथित शराब घोटाले में पूछताछ होगी। सीएम केजरीवाल को समन मिलने पर आम आदमी पार्टी में भूचाल, मंत्री आतिशी बोली ईडी के सामने पेश होने के बाद केजरीवाल किए जाएंगे गिरफ्तार। आतिशी ने कहा आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, केजरीवाल से प्रधानमंत्री डरते हैं इसीलिए कराएंगे गिरफ्तारी। ईडी समन मिलने के बाद केजरीवाल पर हमलावर बीजेपी, प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद बोले केजरीवाल के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता इतना बड़ा स्कैम। राजस्थान में कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की जारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ उदयपुर से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान की टोंक सीट से सचिन पायलट ने किया नामांकन, इस मौके पर पार्टी के कई विधायक रहे मौजूद। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली तलब होने पर दी सफाई, बोले किसी से कोई नाराजगी नहीं, मुझे और दिग्विजय को राहुल, प्रियंका और खड़गे के चुनाव प्रचार का प्लान बनाने के लिए बुलाया गया था। कमलनाथ दिग्विजय के दिल्ली तलब होने पर सीएम शिवराज ने कसा तंज, बोले लूट के माल के लिए जय वीरू आपस में झगड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले हमने राज्यों में की है 17 घोषणाएं, बीजेपी को भी देनी चाहिए कम से कम एक गारंटी। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, रामपुर में मौलाना जौहर अली ट्रस्ट से वापस ली गई 41,000 एकड़ से ज्यादा जमीन। जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने पर अखिलेश यादव का बयान, कहा आजम खान मुस्लिम है इसीलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, आजादी के अमृत महोत्सव का हुआ समापन। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर लौह पुरुष सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, पीएम ने देश को एकता का मंत्र देते हुए विपक्ष पर साधा निशाना, कहा तुष्टिकरण की राजनीति देश के विकास में है बाधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दी पहली हेरिटेज ट्रेन की सौगात, केवड़िया से अहमदाबाद के बीच चलेगी ये ट्रेन।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।